जय हिंद सर, मैं आपका बीट अफसर हूँ। पुलिस कार्य से संबंधित मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। दिल्ली के हर निवासी के लिए ये कितने विश्वास के शब्द होते हैं। कोरोना महामारी से संघर्ष करते हुए पिछले लगभग 6 महीनों में हम सब ने दिल्ली पुलिस का एक नया आयाम देखा है, महसूस किया है। दिन रात सड़कों, अस्पतालों और मूलभूत सुविधाओं की सुरक्षा, संरक्षा और लाखों की संख्या में अविस्थापित मजदूर कामगारों की सेवा ने दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता का एक नया चेहरा दर्शाया, जिसकी सर्वोपरि प्रशंसा हुई। पर दिल्ली पुलिस इस अंतराल में मात्र कोरोना से लड़ ही नहीं रही थी। इसके अदृश्य रहने वाला बैकबोन सिस्टम एक नई तकनीकी क्रांति की ओर नपे और सधे हुए कदम बढ़ा रहा था। पिछले 6 महीनों में दिल्ली पुलिस ने अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली और अपनी जनता से संबंधित इंटरफेस को बिल्कुल नए और तकनीक समृद्ध प्रोजेक्ट से सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस क्रम में ई बीट बुक जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर समयबद्ध तरीके से काम चल रहा है। निश्चित की गई समय सीमाओं के अनुसार ई बीट बुक का पायलट लॉन्च 15 अगस्त के पावन पर्व पर दिल्ली के 2 जिलों में किया गया और आज माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से इसका पूरी दिल्ली के 1800 बीट में उद्घाटन होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ई बीट बुक एक वृहद प्रयास है वर्षों पुरानी एक बीट पुस्तिका को डिजिटल और कनेक्टेड बनाने का। अपने मूल रूप में बीट थाने की सबसे छोटी इकाई की पुलिस कार्य संबंधी समस्त जानकारियों का कोष होती है। अब इसी बीट पुस्तिका को न सिर्फ डिजिटल बना दिया गया है, अपितु सुरक्षित सर्वर के माध्यम से इस ई बीट बुक को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम उत्कृष्ट डेटाबेस से भी जोड़ दिया गया है। मानो एक छोटे से गागर को एक अविरल सागर से जोड़ दिया गया है। ई बीट बुक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण डाटाबेस जैसे CCTNS, ICJS, PMS, वाहन बस एक बटन के दबाने से बीट अफसर के सशक्तिकरण को उपलब्ध है। ई बीट बुक दिल्ली पुलिस के समस्त अन्य मुख्य सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। अब बीट अफसर को इन सारे सिस्टम में उपलब्ध डेटा जैसे कि बैंक, ATM, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वाइन शॉप, रेस्टोरेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मंदिर, मस्जिद, क्रिमिनल डेटा, चोरी वाहन डेटा, चोरी मोबाइल डेटा, गाड़ी रजिस्ट्रेशन ड्राइवर लाइसेंस, जेल बेल रिलीज कन्विक्शन व अन्य डेटा को मौके पर अपने एरिया में एक ही जगह पर एक ही डिवाइस से इस्तेमाल कर पाएगा। अभी तक इन सब सेवाओं के लिए उसको थाने या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। इसमें उपलब्ध फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से पिछले 1 महीने में कुछ बेहतरीन परिणाम मिले हैं। थाना साउथ कैंपस, थाना विकासपुरी व थाना कालकाजी में अपराध सफलतापूर्वक विवेचन इसके माध्यम से संभव हुआ। इस ई बीट बुक में महिला और बाल सुरक्षा की दिशा में विशेष प्रयोजन किए गए हैं, जैसे क्राइम मैपिंग, पहचान स्कीम और महिला सिक्योरिटी। और ई बीट बुक का एक अनोखा पहलू ये भी है कि अब 112 नंबर पर आने वाली सभी इमरजेंसी कॉल्स अब थाने और PCR की गाड़ियों के साथ साथ सीधे संबंधित बीट अफसर के पास भी आएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम और बेहतर हो सकेगा। स्थानीय पुलिस से जुड़ी जनता की तमाम छोटी बड़ी आवश्यकताएं अब CCTNS और दिल्ली पुलिस के तत्पर ऐप से होते हुए सीधे संबंधित बीट अफसर के पास पहुंचेंगे। इस सिस्टम के संचालन के लिए हर थाने लेवल पर एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य मुख्यतः अपने थाना क्षेत्र के सभी अफसरों को इस सिस्टम के बारे में अवगत कराना और काम की समीक्षा करना है। हर जिले में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, ताकि जिला पुलिस उपायुक्त 24 घंटे इस सिस्टम की समीक्षा कर सके। इस सिस्टम का एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सीनियर अफसर पूरी दिल्ली की गतिविधियों की समीक्षा कर सकेंगे।
जनता की सेवा और सुरक्षा का एक नया अध्याय इस ई बीट बुक से आरंभ होने जा रहा है।